नमस्कार दोस्तों, ओला द्वारा नई बजट में दो स्कूटियां लॉन्च हो गई हैं जो अप्रैल 2025 से मिलने वाली हैं, जिनका नाम गिग और गिग प्लस है। और ये आपको बजट सेगमेंट में देखने को मिल जाएंगी। गिग में आपको 1.5 किलो वॉट की सिंगल बैटरी देखने को मिलेगी, जबकि गिग प्लस में आपको 1.5 किलो वॉट की डुअल बैटरी का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। और इसकी पावर की बात कर लें तो इसमें मोटर पावर आपको 250 वॉट का मिलने वाला है गिग में, और गिग प्लस में आपको 1.5 किलो वॉट का मोटर पावर देखने को मिलने वाला है। और साथ ही में इसकी स्पीड की बात करें तो इसमें आपको 25 किलोमीटर की स्पीड मिल जाएगी गिग में, और गिग प्लस में आपको स्पीड 45 किलोमीटर आवर की मिल जाएगी। और जो इसका रेंज रहने वाला है गिग का, वो 112 किलोमीटर और गिग प्लस का 157 किलोमीटर रहने वाला है। ओला द्वारा गिग प्लस का जो प्राइस रहने वाला है वो 49,999 रहने वाला है। और इसमें आपको फ्रंट में कोई भी वाइज़र देखने को नहीं मिलेगा, जबकि इसमें आपको फ्रंट में पैनल देखने को मिल जाएगा, फ्रंट पैनल। और जो इसका अनलॉकिंग होगा वो मोबाइल से स्कैन करके ये अनलॉक होगा। और इसमें आपको फ्रंट के साइड में LED हेडलाइट भी आपको सामने की तरफ में मिल जाएगा। और सामने की बात करें तो इसमें आपको डुअल सस्पेंशन भी मिल रहा है फ्रंट में, और इसके साथ में आपको कॉम्बी ब्रेक का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है। और सामने की तरफ नीचे की तरफ बात करें तो हमें इसमें एक एक्स्ट्रा लेग गार्ड भी देखने को मिल जाता है, जो हमें बाकी स्कूटियों में नहीं मिलता है। इसमें हमें ओला द्वारा एक लेग गार्ड भी देखने को मिल जाएगा। और पीछे की तरफ में हमें लगेज कैरी करने के लिए एक ऑप्शन इसमें मिल जा रहा है, ये हब मोटर में आता है। तो जो हमारा गिग प्लस है कुछ देखने में इस तरह से है, और इसके साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा लगेज भी कैरी कर सकते हैं इसमें, जबकि हमें फ्रंट में वाइज़र देखने को नहीं मिलता है। और हम गिग की बात कर लें तो गिग में हमें फ्रंट में ना वाइज़र देखने को मिलेगा, ना ही फ्रंट पैनल देखने को मिलेगा। और इसमें आपको सामने की तरफ में जो हेडलाइट मिलने वाली है वो DRL शेप में मिलने वाली है, लंबे साइज़ में। और इसमें भी आपको सेम अनलॉकिंग ऑप्शन मिल जाएगा स्कैन करने से मोबाइल पे। और इसका जो प्राइस रहने वाला है वो 39,999 रुपये रहने वाला है, यानी कि ये सबसे कम बजट में आपको मिलने वाला है, मात्र 40,000 रुपये में। इसमें भी आगे आपको डुअल सस्पेंशन का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि इसमें भी आपको कॉम्बी ब्रेक का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। और इसमें भी आपको लेग गार्ड देखने को मिल जाएगा सामने की तरफ में, और पीछे की तरफ में आपको लगेज कैरी करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसका जो मोटर पावर है वो थोड़ा सा कम है, 250 वाट का मोटर पावर इसमें आपको मिलता है, और इसमें आपको रेंज थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है इस मोटर पावर कम कंजप्शन की वजह से। और इसमें आपको बैक साइड में पीछे लगेज भी कैरी करने का ऑप्शन मिल जाता है। और सामने की तरफ में इसमें जो पैनल है वो नहीं दिया गया है, इस कॉस्ट कटिंग के लिए इसमें पैनल जो है हटाया गया है। और बाकी आपका जो गिग प्लस का जो भी सारा ऑप्शन है इसमें आपको मिल जाएगा, एक्सेप्ट आपका जो मोटर पावर है वो बहुत कम रहेगा इसमें। उसमें आपको 1.5 किलो वाट का मिल रहा है गिग प्लस में, और गिग में आपको मात्र 250 वाट का मिल रहा है। दोस्तों, ओला ने अपने S1 सीरीज में दो नए मॉडल लॉन्च कर दिए हैं, जिसका नाम S1 Z Plus है और S1 Z है, और ये आपको अप्रैल 2025 से मिलने वाले हैं। और S1 Z की बात करें तो ये इसका जो बेस प्राइस रहने वाला है ये 59,999 रुपये रहने वाला है। इसके फ्रंट की बात करें तो इसमें आपको सामने की तरफ में LED लाइट मिल जाएंगी, और डुअल सस्पेंशन का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। और टायर की बात करें तो इसमें आपको 12 इंच के टायर मिलने वाले हैं S1 Z में, और इसमें आपको सामने की तरफ में कॉम्बी ब्रेक का भी ऑप्शन मिल जाता है, और पीछे की तरफ में आपको 3 किलोवाट का हब मोटर मिल जाएगा, और साथ ही में इसमें डुअल बैटरी का ऑप्शन आता है। और इसके बाद अगर हम दूसरे मॉडल की बात करें जो S1 Z Plus के नाम से है, इसका जो बेस प्राइस रहने वाला है वो 64,999 रुपये रहने वाला है। इसमें आपको फ्रंट और बैक में लगेज का कुछ ऑप्शन भी रखने के लिए मिल जाता है, और इसमें आपको LED के साथ में LED डिस्प्ले के साथ में की का भी फंक्शन इसमें मिल जाता है। और इसमें भी आपको सामने की तरफ में सेम डुअल सस्पेंशन मिल जाएगा, और कॉम्बी ब्रेक का ऑप्शन इसमें मिल जाएगा, और साथ ही में इसमें बैक साइड में आपको 3 किलोवाट का हब मोटर भी देखने को मिल जाएगा। इसमें आपका जो फ्रंट व्हील रहेगा वो 14 इंच का रहेगा, और इसकी जो रेंज रहने वाली है वो 75 किलोमीटर रहने वाली है, डुअल बैटरी पे 146 किलोमीटर रहने वाली है। और इसमें आपको डुअल बैटरी का ऑप्शन मिल जाएगा, एक बैटरी आपकी 1.5 किलोवाट आवर की होगी बैटरी, और इसकी जो टॉप स्पीड रहने वाली है वो 70 किलोमीटर पर आवर्स की रहने वाली है। और इसमें आपको 14 इंच का सामने की तरफ में फ्रंट व्हील मिल जाएगा, जैसा कि आपने S1 में 12 इंच का था, इसमें 14 इंच का, और कॉम्बी ब्रेक का सिस्टम भी इसी में आपको मिल जाएगा साथ में, और पीछे की तरफ में हब मोटर का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। और ये पोर्टेबल बैटरी के साथ में आती है, जो डुअल बैटरी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा, आप बैटरी को आसानी से कैरी करके कहीं पर भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारे पुराने ओला में एक फिक्स बैटरी आती थी, इसमें अब आपको पोर्टेबल बैटरी देखने को मिल जाएगी।
तो ओला के एस वन सीरीज में अब जो ऑप्शन नया आपको मिलने वाला है वो बैटरी स्वाइप का ऑप्शन मिलने वाला है, और इसमें आपको दो रिमूवल बैटरी ऑप्शन मिलने वाले हैं, और इसको आप चाहें तो ऑप्शन ले सकते हैं या फिर एक बैटरी के साथ में ही आप परचेस कर सकते हैं। और इसका जो डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं, सामने की तरफ में आपको ये बास्केट भी दिया जाता है, पीछे कैरी करने के लिए लगेज के लिए भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, और सामने की तरफ में इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाएगा एलईडी डिस्प्ले, और साथ ही में एक फिजिकल की भी इसके साथ में आपको मिलने वाली है। तो इसकी बात करें तो इसमें आपको नया कॉन्सेप्ट ये देखने को मिल रहा है कि इसमें आपको जो है पोर्टेबल बैटरी का ऑप्शन मिल जा रहा है, जो हमारी पुरानी S1 सीरीज में नहीं मिलती थी, और इसमें जो आपकी स्टेबिलिटी रहने वाली है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। एलईडी हेडलाइट के साथ में आपको डुअल सस्पेंशन मिल रहा है फ्रंट की तरफ में, और आपको दो ऑप्शन के साथ में एक 12 इंच और दूसरा Z1 प्लस में आपको 14 इंच का टायर देखने को मिल रहा है। कॉम्बी ब्रेक का जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, जो हमारे पेट्रोल में ऑप्शन मिलता था वो अब इलेक्ट्रिक में भी आ गया है डुअल सस्पेंशन के साथ में और कॉम्बी ब्रेक के साथ में। इसकी जो सीट रहने वाली है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है। इसमें जो ऑप्शन आपको लगेज का मिलता है उसे आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं और उसे रिमूव भी कर सकते हैं आसानी से। ओला S1 नए सीरीज मॉडल के बारे में भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पर आप सभी का बने रहने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।